जय हिंद साथियों, ये साइंस क्वेश्चन सीरीज का 15वां पार्ट है। आज का पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम का क्या तात्पर्य है? किरचॉफ के नियम का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है, ताप पर। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम का को नियंत्रित रखता है? कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? इसका आंसर है, संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है, प्लाज्मा द्वारा। ये है प्लाज्मा, ये जो पीले रंग का दिख रहा है। पाँचवा क्वेश्चन है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर है, तंत्रिका तंत्र। फिगर में आप देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? इसका आंसर है, अर्धसूत्री विभाजन। ये पहले एक सेल रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बीच से डिवाइड हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है, सोडियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर है, सीसा अर्थात कांच। आठवां क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर है, जस्ता तथा निकिल। यह है जर्मन सिल्वर। नौवां क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? इसका आंसर है, आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को। यह है आयरन पायराइट। इसे खोजने वाले व्यक्ति या खनिज को खोदने वाले व्यक्ति इसे पाकर जो है धोखे में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसका कलर सोने के जैसा ही होता है। दसवां क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ग्यारहवां क्वेश्चन है, एक शराबी में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक शराबी में किस विटामिन की कमी हो जाती है? इसका आंसर है, विटामिन सी। बारहवां क्वेश्चन है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? इसका आंसर है, ग्लाइकोजन के रूप में। तेरहवां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड। चौदहवां क्वेश्चन, मोटरगाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर है, पेट्रोलियम एल्कोहल। पंद्रहवां क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? इसका आंसर है, वास्तविक प्रतिबिंब को। सोलहवां क्वेश्चन है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका आंसर है, मैक संख्या। सत्रहवां क्वेश्चन है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की क्या इकाई है? इसका आंसर है, नॉटिकल मील। अठारहवां क्वेश्चन है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से परस्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है? किस सामान्य यंत्र की सहायता से परस्रव्य तरंग उत्पन्न किया जा सकता है? इसका आंसर है, सोनार। फिगर में आप देख सकते हैं, सोनार का प्रयोग वायुयान और समुद्री जलपोतों में किया जाता है। उन्नीसवां क्वेश्चन, लैंग्रहेंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंग्रहेंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है, अग्नाशय में। यह है अग्नाशय, जो पीले रंग का दिख रहा है, हल्का गाढ़ा पीले रंग का। बीसवां क्वेश्चन है, सिक्का किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? सिक्का किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? इसका आंसर है, तांबा टिन। तांबा इसमें 88% और टिन 12%। यह का लास्ट क्वेश्चन था।